नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करके इसे लाखों व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। एक्सटेंड के डिटेल्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। टाटा मोटर्स की रीसेंट कार्स काफ़ी इंप्रूवमेंट के साथ आई हैं और सेफ्टी के मामले में टाटा मोटर्स का फिलहाल कोई मुकाबला नहीं है, जहां बजट कार्स भी 4 या 5 स्टार्स ला चुकी हैं। हालांकि सर्विस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां टाटा मोटर्स को और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई शहरों में लोग सर्विस को लेकर परेशान होते हैं और कुछ सिटीज़ में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। और डीलरशिप टू डीलरशिप भी आपको अलग अलग तरह की सर्विस देखने को मिल जाएगी सेम सिटी में, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन अभी भी कहीं नहीं देखने के लिए मिलता है सर्विस में। टाटा मोटर्स की डीलरशिप से परेशान होकर एक पर्सन ने अपनी गाड़ी में आग लगाने की कोशिश करी और ऑलमोस्ट लगा भी डाली थी। ये वीडियो मिस्टर तुषार केवड़िया ने रशलेन क्रैश लेन ग्रुप पर शेयर किया था। इस वीडियो में गाड़ी 2019 मॉडल टाटा स्ट्रॉम थी और शायद सर्विस से परेशान होते हुए एक पर्सन अपनी गाड़ी में आग तक लगा रहे थे, जहां पहले वो गाड़ी के कुछ वायर्स निकालते हैं और फिर आग लगाना शुरू कर देते हैं और एट द एंड गाड़ी में आग लगा भी देते हैं। ये वीडियो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी देख सकते हैं। वैसे ये सिर्फ टाटा मोटर्स के साथ नहीं है, ऐसा हमें कुछ और डीलरशिप के साथ भी देखा है। एंड ये बात भी सही है कि कई शहरों में टाटा को सर्विस में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत परेशान होने के बाद ही इंसान कुछ ऐसा कदम उठा सकता है जहां अपनी गाड़ी में इंसान आग लगाने लग जाए। होपफुली टाटा मोटर इस तरह के केसेस देखते हुए अपनी डीलरशिप पर एक्शन ले, जहां एटलीस्ट कस्टमर इतना परेशान ना हो कि गाड़ी में आग लगानी पड़े। साथ ही बाकी कंपनीज को भी अपनी डीलरशिप को कई जगह इंप्रूव करना ज़रूरी है, क्योंकि हाथापाई कस्टमर्स को मारना ये भी आजकल कई जगह एक आम सी बात हो गई है। सो गाड़ी कोई भी लें, जब तक सारी डीलरशिप ना सुधर जाएं, अपनी सिटी की एक सही डीलरशिप को पहचान जरूर लें ताकि ऐसी नौबत ना आए। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।